बदलाव हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं हमें। हमारे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आगे भविष्य के लिए उनके भी। मेट्रो भी आ रही है आगे, बहुत हमें तो बहुत खुशी है इस बात की। बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं, पहले जमाने में इतना नहीं था। काम करके दो, आप क्या काम कर रहे हो, क्या बेहतरी है हमारे लिए, तो उस पे वोट मिलेंगे। अब मैं नहीं समझता लोग जात पात पर और इस पर वोट देंगे। पहले से सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई है, व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है, प्रशासन बहुत अच्छा हो गया है, मतलब महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा हुआ है। या तो योगी जी आओगे या जो पुल पर खड़ा होगा वो जीतेगा, चाहे कोई खड़ा हो जाओ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक। चुनावी लंच ब्रेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि अब हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की शुगर बेल्ट में और हमारा पहला पड़ाव है मेरठ। जी हाँ, मेरठ के लोगों के बारे में ये दरअसल मशहूर है कि सुबह अगर चाट पकौड़ी खस्ते समोसे से शुरुआत ना हो तो उनका दिन शुरू नहीं होता। यही वजह है कि हम यहाँ के मेन मार्केट की एक पकौड़ी, मशहूर पकौड़ी वाले की दुकान पे मौजूद है। इनका नाम है अमरनाथ पकौड़ी वाले जी, जो काफी लंबे समय से पकौड़ी बनाने का काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, कुलदीप जी कितने वर्ष से आप मेरठ में है? मेरठ में हमारी तो पैदाइश ही यही की है। अच्छा। पिताजी सन 47 में आए थे पाकिस्तान से, जब से 48 से उन्होंने काम चालू करा तब से आप यही हैं। कितने पीढ़ियां हो गई? ये तीसरी पीढ़ी हो गई अब हमारी। सुबह सुबह पकौड़े तले जा रहे हैं। हाँ जी। कितने टाइप के पकौड़े मिलते हैं आपके यहाँ? ये सुबह 8-9 बजे चालू कर देते हैं, रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक। तो बताएंगे कितने तरह के पकौड़े हैं, क्या क्या है यहाँ पर? इसमें हम प्याज के बनाते हैं, गोभी के बनाते हैं, पनीर के बनाते हैं, बैंगन है, आलू है, पालक है, मूंग की दाल है, मिर्च है, आलू की पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़ा है। 7-8 वैरायटी हो गई। 10-12 आइटम हो जाते हैं। सारा कौन सा बिकता है आपके यहाँ? सब में ज्यादा हमारा बिकता है ब्रेड बिकता है, आलू की पकौड़ी है, पनीर पकौड़ा है, प्याज है, गोभी है, सीजन का है ना इस्टर्न। ये बताइए, क्योंकि आप इतने साल से यहाँ पर है, मेरठ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जिस जगह पर मौजूद है काफी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक एक समस्या है। ट्रैफिक तो इस्टर्न टेम्पो वेम्पो वाले खड़े रहे चौराहे पे, ये जाम रखते हैं। ये जाम होता है। वोट डालने जाते हैं इस बार? जाएंगे वोट डालने? जाते तो है, डालने जाएंगे। योगी जी का काम कैसा लग रहा है? 4.5 साल हो गए हैं उनको सीएम बने हुए, मेरठ के लिए कुछ किया है उन्होंने? हाँ जी, कर तो रहे हैं वो, कर तो रहे हैं। क्या क्या किया बताइए जरा। इस टाइम तो तुम्हारा मेट्रो का चल रहा है यहाँ पे, मेट्रो का चल रहा है। एक्सप्रेस वे बनने से कितना फायदा हुआ है मेरठ में? से आदमी आसपास के इलाकों से लोग आते होंगे आपके यहाँ? हाँ जी, वो रोड तुम्हारा 1 घंटे में दिल्ली पहुँचा दे हैं वाले रोड से। हाँ जी, उससे जो है लोगों का आवागमन बढ़ा है और बेहतर हुआ है। तो ये बनकर तैयार है, देखिए ब्रेड पकौड़ा सुबह सुबह और चटनी इधर है हरी वाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर ब्रेड पकौड़े की दुकान है, एक और चाट पकौड़ी समोसे की दुकान आपको दिखाते हैं। सुबह का वक्त है, यहाँ पर भी ब्रेड पकौड़े का सिलसिला जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज राठौर। पंकज जी, पंकज जी मेरठ के रहने वाले हैं? बिल्कुल मेरठ के रहने वाले। कितने साल से हैं आप? मेरा तो जन्म ही यहीं का हमारा तो। अच्छा, तो मेरठ का ये मेन इलाका है? ये मेरठ का मेन इलाका है, बेगमपुर। बेगमपुर जी। तो यहीं से आपका वोट है? हाँ, यहाँ से, इसी क्षेत्र से। ये रहा हमारा आगे घर ही है। अच्छा, आगे घर है आपका। हाँ। इस सड़क पर या मेरठ को कुल मिलाकर देखिए तो कुछ तस्वीर बदली है 4-4.5 साल में जब से योगी जी आए? हाँ जी, बहुत कुछ बदला है। जैसे? जैसे कि एक जो पहले जो उल्टे सीधे लोग आया करते रात बिरात में, वो नहीं आते हैं। बाकी कारोबार में भी थोड़ा बेहतर सही है। हाँ, मतलब कानून व्यवस्था बेहतर हुई? बढ़िया है, बढ़िया हुई है। और इस रोड को अगर देखा जाए, आपने अभी बात करने कहा कि मेट्रो का काम शुरू है, उससे आपको लगता है फायदा होगा? मेट्रो आने से तो बिल्कुल फायदा होगा जी, जब मेट्रो आएगी तो पब्लिक आएगी बाहर की, पब्लिक आएगी तो कारोबार बढ़ेगा। एक्सप्रेस वे से भी फायदा होगा?
हाँ एक्सप्रेस वे से तो ये है, हम लोगों को तो उससे नुकसान हुआ है। जो हमारी बाहर की जो पब्लिक थी वो पहले सिटी में आया करती थी, अब वो बाहर बाहर वो बार बार चली जाती है। इसमें आपने बढ़िया बात बताई, इसमें हम भी हैं, हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो सीधा बाईपास पकड़ते हैं तो फिर सिटी में आना नहीं होता। मेरठ में इस बार जो है आपने कहा कि सुरक्षा बेहतर हुई है, बढ़िया है लड़कियों के लिहाज से, सब चीज सही है, बहुत बढ़िया है। रात रात आपकी दुकान खुली रहती है? हमारी 12 से 1 बजे तक खुलती है, रात को सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, फिर सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे। फिर कुछ और लोग हैं अंदर। मैम आप मेरठ से? मेरठ क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए, नाम उससे वो आप देख के पूछेंगे। सीमा। सीमा जी, सीमा जी मेरठ के कितने वर्षों से हैं? हम तो यही रह रहे हैं, यही शुरुआत शुरू से ही, शुरू से ही रह रहे हैं। मेरठ की ये जो मुख्य इलाका है इसमें आपने पिछले 4 साढ़े 4 साल में कोई बदलाव देखा है? यहाँ पर बहुत बदलाव हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं हमें। हमारे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आगे भविष्य के लिए उनके मेट्रो भी आ रही है आगे, बहुत हमें तो बहुत खुशी है इस बात की। बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं, पहले जमाने में इतना नहीं था लेकिन आज तो इतनी सुविधाएं हैं, एक नंबर करो कॉल करो फट से सुविधाएं मिलती है। 4.5 साल में योगी जी ने अच्छा काम किया है, बहुत बदलाव या बेहतरी की जरूरत है? नहीं नहीं बहुत बढ़िया बदलाव करा उन्होंने, वोट डालेंगे आप? हाँ जरूर जरूर जरूर। और मेट्रो जो चल रहा है काम उससे कुछ फायदा हुआ है? हाँ उससे काफी फायदा हुआ है कि एक तो जो है आपने क्या क्या खाया है यहाँ पर, क्या मशहूर है जो आप खा रही हैं? हमने यहाँ पकौड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहे हैं, खत्म हो गया आपका भी वोट है अभी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कानिका। क्या यंग जनरेशन की मैं जानना चाहूंगी कि यंग जनरेशन को योगी जी बतौर सीएम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी, योगी जी के आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारे भारत में। एज अ गर्ल एज अ महिला आप अपने आप को सेफ समझती हैं? रात बिरात निकल सकते हैं? हाँ रात बिरात निकल सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर खाने के लिए। सर आप कहाँ से आए? मैं इटावा से आया हूँ। इटावा से आए? हाँ जी। मेरठ के इस दुकान के बारे में आपने सुना होगा? नहीं मैं तो जनरल सेल्स मैनेजर हूँ। हाँ। तो वर्किंग पर आया हूँ। हाँ। तो होटल पास में है। हाँ। सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए निकला हूँ। मेरठ के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ का खान पान, यहाँ के लोग, क्या बढ़िया लगा? हाँ खान पान ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आप इटावा से आते हैं, इटावा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ जी, इटावा इटावा में कैसा काम हो रहा है पिछले 4.5 साल में? इटावा में क्या बदला है? वेरी नाइस, डू वर्क मोदी जी, वेरी एक्सीलेंट वर्क। सेफ्टी प्रोफाइल है, लेडी सेफ्टी है, लेडीज की सेफ्टी है। विकास के नाम पर भी प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह में जो सप्लाईज होने चाहिए पेशेंट को अटेंड करने के लिए वो प्रॉपर करा रहे हैं। एक्सीलेंट वर्क हो रहा है, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं योगी जी, डूइंग वेरी गुड। वो मुझे लग रहा है कि उनको इस बार भी चांस मिलेगा, नहीं और कोई नहीं हटा सकता। अच्छा वर्क जो भी करेगा, अब जो एक पैटर्न हुआ करता था कि जात बात पर वोट ले लेंगे और इसमें नहीं, अब ने चेंज कर दिया है इंडिया ने। अब पॉपुलेशन ये कहती है कि काम करके दो, आप क्या काम कर रहे हो, क्या बेहतरी है हमारे लिए, तो उस पर वोट मिलेंगे। अब मैं नहीं समझता लोग जात बात पर और इस पर वोट देंगे। लेकिन कभी आपने ये मेरठ एक्सप्रेस वे यूज किया है? हाँ मेरठ एक्सप्रेस वे मैं दिल्ली जाता हूँ तो बहुत ही गजब का आलीशान 40 मिनट्स में आ जाता हूँ। 40 माइल्स। बहुत अच्छी बात है, कहीं आपने, चलिए मजा आया आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं क्योंकि गजक रेवड़ी के लिए जाना जाता है मेरठ। यहाँ पे रेवड़ी दिखाई दे रही है, अलग अलग तरह की रेवड़ी है। भाई साहब ये रेवड़ी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, कितने तरह की रेवड़ी है आपके यहाँ? कई तरीके की है, गुड़ की, चीनी की, देसी घी में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सेल होता है आपके? ये काजू कद्दू के सभी सेल होता है, तो कम से कम गाजर कद्दू देसी। मेरा तो रेवड़ी के लिए जाना चाहता है। ये जो दुकान है आपकी कितने सालों से? ये बहुत पुरानी दुकान है दादा, ये टाइम की। आप भी मेरठ से आते हो? हाँ जी। मेरठ में क्या बदला है सड़क से? आपकी दुकान है, आपने देखा होगा 4 साढ़े 4 साल में कुछ तकलीर बदली है? बस तकलीर क्या, बस ऐसी है जैसे चल रहा है। ट्रैफिक का बुरा हाल है? ट्रैफिक का बुरा हाल है बहुत। आज तो सोमवार है, मार्केट बंद रहता है लेकिन फिर भी काफी रौनक है, भीड़ है। हाँ जी। बाकी हफ्ते तो और भी ज्यादा हाल बेहाल। वोट डालने जाते हो? हाँ जी जाते हैं। जाओगे? जाएंगे। योगी जी के बारे में सबसे अच्छा या सबसे खराब बात आपको क्या लगती है?
खराब तो कुछ नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा ज्यादा गुंडागर्दी नहीं होती, सही रहता है, बेहतर हो गया है, बेहतर हो गया। मेरठ से पहले, इससे पहले जब आप थे तब क्या थी स्थिति और अब क्या है? अब कुछ बदली है, पुलिस वाले कुछ भी परेशानी होती पुलिस वाले तुरंत आ जाते हैं। कौन से नंबर पे कॉल करते हैं? 112 नंबर। 112 ठीक से काम करता है? हाँ जी। आप भी यहीं के हैं? मेरठ से ही हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी कितने साल से हैं मेरठ में? बचपन से ही है। बचपन से ही है। आप तो ये सड़क से वाकिफ होंगे, दुकान से वाकिफ होंगे, रेवड़ी लेने आते हैं अक्सर। कौन सी वाली बढ़िया लगती है आपको? ये वाली क्या नाम है इसका? नहीं, ये तो रेवड़ी के नाम से लेते हैं। रेवड़ी नाम है। जब आप हम लोग जैसे लोग आए तो कौन सी रेवड़ी, कौन सी गजक लेनी चाहिए? ये वाली लेनी चाहिए, ये बेहतर है। ये अच्छी दिख रही है ये वाली? देखो वैसे तो सारी अच्छी है, ऐसे तो सारी अच्छी है। ऐसे ही जब हम किसी भी शहर आते हैं, खासतौर पर अगर मेरठ का ही जिक्र कर ले, मेरठ में क्या कुछ बदला है, विकास हुआ है मेरठ का? देखो हाँ, विकास हो रहा है, एक तो मेट्रो आई है अभी यहाँ। कुछ और यंगस्टर्स इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आते हैं सर? मैं सरदने से हूँ। सरदना से जी। कुछ काम करते हैं आप वहाँ या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एजुकेशनल जो फैसिलिटीज है कैसी है? अच्छी फैसिलिटी है। क्या नाम है आपका? दीपक जेटली नाम है। दीपक जी कितने साल से आप यहाँ? मेरे बचपन से ही है। बचपन से ही जी है। तो मेरठ से क्यों लगाव है आपको इतना? मेरठ से क्यों? बचपन अपना है। हाँ। पहले से सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई है, व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है, प्रशासन बहुत अच्छा हो गया है, मतलब महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा हुआ है। खाने के अलावा और क्या मेरठ में? मेरठ में बहुत सारे मॉल्स है घूमने के लिए, खाने के लिए अपना अबुलन में चाट बाजार है, बहुत सारी चीज अच्छी है। आप मेरठ को टाइम देंगे, मेरठ को टाइम देंगे तो अच्छा। चोरी होना बंद हो गया, गुंडागर्दी बंद होगी, लड़की छिड़ेती हुई बंद होगी, बुच्छड़ खाने बंद होगी, रोड बढ़िया होगी। और तुम्हारे यहाँ सरने से लेकर चले जाओ, देखो वहाँ पुलिस खड़ी, पहले यहाँ खड़ी नहीं रहती पुलिस, पूरा पुलिस जावे थी पहले। अब कोई छेड़ के देख लो पुलिस, तो पुलिस आम आदमी को छेड़ के देख लो, बक्कल एक मिनट में उतार देंगे। ये काफी लोगों ने कहा था यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ बहुत गुंडागर्दी थी, सारी निपटा दी A to Z। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ तो योगी जी आओगे, यहाँ जो फूल पर खड़ा होगा वो जीतेगा, चाहे कोई खड़ा हो जाओ, कोई खड़ा हो जाओ वो जीतेगा, चाहे मैं खड़ा होगा मैं भी जीत जाऊंगा, यहाँ तो वो जीतेगा जो फूल पर खड़ा होगा, क्योंकि हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए सुरक्षा। मोदी जी और योगी जी चलते हैं यहाँ पे, यहाँ तो योगी जी का राज है। अरे योगी जी का राज, आप कहीं भी चले जाओ कैमरा लेके, सब योगी जी मिलेंगे तुम्हें यहाँ। आप किसी भी चौपले पे चले जाएं, पुलिस कितनी है, सबसे ज्यादा पुलिस यहाँ मिलेगी आपको, हर पॉइंट पे खड़ी हुई, और सबके सामने ऑफिसर भी खड़े होंगे। अच्छा। ऐसे नहीं कॉन्स्टेबल खड़े करती है। इतनी गोली चले थी, गोली तो छोड़ो, आप डिस्प्रिन की गोली मार के देख लो, आज गोली भी नहीं चलती, डिस्प्रिन की गोली भी नहीं। इस बार वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाओगे, जाओगे लेके जाओगे, आप भी डाल के आओ, ई रिक्शा करके जाओगे। आप कह रहे बीजेपी की आएगी? समोसे का बिल रहा है ना? अब समोसा बनने वाला है। हाँ जी। कचौड़ी बनेगी? हाँ जी। जी। सबसे ज्यादा कौन सा आइटम बिकता है आपके यहाँ? समोसा ब्रेड। समोसा ज्यादा बिकता है? हाँ। और ब्रेड पकौड़ा? हाँ जी। वो भी। मेरठ के लोग बहुत चटोरे माने जाते हैं, सच है क्या? जी हाँ? जी बिल्कुल सच है। सच है क्या? मतलब मीठा ज्यादा खाते हैं नमकीन? मीठा नमकीन कुछ भी हो सब दोनों। और जो बाहर से लोग आते हैं वो क्या खाते हैं? वो ये देखते हैं जो लोग खा रहे हैं वही वही खाएंगे। तो मतलब अगर कोई गाजर का हलवा खा रहा है तो वो खा ले, गाजर का रेवड़ी का चक तो है ही। तो मेरठ के कई अलग अलग स्वाद हैं, कई अलग अलग रंग हैं। हमने आपको खस्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, तले हुए आइटम यहाँ ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोगों की जुबान थोड़ी सी यहाँ पर तीखा भी मांगती है, थोड़ा मीठा भी मांगती है। गजक रेवड़ी मेरठ की पहचान है, हमने पहले भी आपको बताया था। लेकिन दरअसल मेरठ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेट्रो यहाँ पर आ रही है, और मेट्रो से ये जो मुख्य इलाका है वो काफी हद तक थोड़ा तब्दील हो सकता है। और जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, जो कई सालों से यहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, मेरठ आज तक।